तुम्हें बाहर बुलाने के लिए क्या पुलिस की फोर्स बुलवानी पड़ेगी? क्या? राफिया तुम्हें बुलाने के लिए आई थी और तुमने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊंगी। परवेज, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। इसका मतलब है कि मेरी माँ बहन झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कब कहा? पर मुझे सच में कोई बुलाने नहीं आया। तुम अपने घर में तो किचन से बाहर नहीं आया करती थी, यहां तुम कमरे से बाहर नहीं आती। मेरी मानो, यहां बाहर निकला करो, लोगों से मिला करो, घर के काम काज किया। परवेज, मसला कुछ भी नहीं है। मेरे घर में सिर्फ अम्मी और दादी थी, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी अम्मी है, दोनों बहनें हैं और घर पे काम करने वाली भी तो है ना। मैं क्या करूंगी जाके? तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लग गई? परवेज, तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बात करते हो? प्यार मोहब्बत से भी तो बात कर सकते हो। नहीं, क्योंकि शादी से पहले कभी तुमने मुझसे प्यार से बात नहीं की थी। हमेशा तुमने मुझसे रूडली बात की थी, मुझे बुरा भला कहा था, गालियां पकी। परवेज, शादी से पहले तुम मेरे कजिन थे और अब आए ना मुद्दे की बात। और मेरी जान, मेरी प्यारी बीवी, तुम्हारी सारी मोहब्बत उस हाशिम के लिए थी, मेरे लिए नहीं, है ना? परवेज, हम एक नई शुरुआत भी तो कर सकते हैं अपनी जिंदगी की, मोहब्बत के साथ, दोस्ती के साथ। सोचना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं कर सकते। मैंने तुमसे शादी की थी ताकि मैं तुम्हारे गुरूर को मिट्टी में मिला सकूं, तुमसे अपनी तमाम बेइज्जतियों का बदला ले सकूं, तुम्हें इस बात का एहसास दिला सकूं कि आपके साथ होते हुए भी जब कोई आपके साथ ना हो तो कितनी तकलीफ होती। तो ले तो रहे हो बदला तुम मुझसे, अब बस करो। पर तुम ठीक नहीं कर रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ अच्छा करना भी नहीं चाहता। मैं तुम्हारे इस बिहेवियर के बारे में अम्मी, अब्बू, दादी सबको बताऊंगी। परवेज, नहीं 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 प्लीज प्लीज, देखो देखो, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम सबको सबको बीच में ले आओ। मैं मुझे तुम्हें क्या लगा था मैं सचमुच ये कहना चाह रहा हूं? अरे मेरी जाने मन, इंतजार किस बात का? मुझे बताओ किसको फोन करना है? अम्मी, दादी, अब्बा, किसको बताना चाहती हो? या फिर क्योंकि तुम्हें मुझसे आजादी ही चाहिए तो ये मुश्किल भी तुम्हारी मैं आसान कर देता हूँ। बोल देता हूँ वो तीन लफ्ज तलाक। हादिया, खाना लग गया, आ जाओ नीचे। फैसला तुम्हें करना है, बाहर जाना है या किसी बात को जारी रखना है। परवेज, तुम कितने गंदे हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल बहुत लेट नहीं आने लग गए हो? मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ। एकेडमी के बाद लाइब्रेरी चला जाता हूँ। बुक्स घर ले आया करो। क्या क्या घर पे लेकर आऊँ? वहां सुकून से पढ़ लेता हूँ, काफी है। अच्छा चलो, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। अरे हाँ, वो तुम्हारी दादी का फोन आया था। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस शिकवा कर रही थी शादी में शिरकत ना करने की। बताना चाह रही होंगी कि कितनी शानो शौकत से उसकी शादी हुई है, कितनी खुश है वो वहां पे।
अरे नहीं बेटा, अम्मा जी ऐसी नहीं है। वो तो मेरा दिल रखने के लिए, मेरा मान बढ़ाने के लिए कह रही थी। हादिया के ख्याल में से मेरे रिश्ते के अलावा और बचा ही कौन है। कितनी खुशफहम है आप, कितनी आराम से आप खूबसूरत रंग दे देती हैं बात को। बेटा इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। खैर, जब मैं अमीर हो जाऊंगा ना तो मैं अपने सारे खानदान को दावत पे बुलाऊंगा उन्हें जलाने के लिए। उन सब पे अपनी धाक बढ़ाने के लिए। तुम किस अंदाज से सोचने लग गए? सारी दुनिया इसी अंदाज से सोचती है अम्मी, और मैंने भी फैसला किया है कि मैं अब दुनिया के साथ चलूंगा। क्या तमाशा लगा हुआ है? अम्मा अम्मा देखिए, हादिया मुझे डांट रही थी। पता नहीं खुद को क्या समझती है ये। हादिया, तुम्हारी इतनी जरूरत? किससे बात कर रही हो इस वक्त? अम्मी से बात कर। अम्मी से बात? सच सच बता दो, किस आशिक से बात कर रही हो तुम? खुदा के लिए ऐसी बातें मत किया करो परवेज, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, किससे बात करूंगी? हाशिम को फोन करूंगी मैं। हाशिम? कह रही हूँ आ जाओ, दैट्स माय ऑर्डर नाउ। कुछ नहीं, लगता है प्लग में थोड़ा सा कचरा फंस गया। अच्छा, मैं ड्रॉप कर देती हूँ, आ जाओ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया। क्या हो गया? बीवी थोड़ी ना है जो मना के ठीक कर लोगे। आ जाओ, मैं ड्रॉप कर दूँ। मेरी ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। नहीं रहने दीजिए, ऐसी आपको तकलीफ होगी। कोई तकलीफ नहीं होगी, आ जाओ भाई, ड्राइवर ठीक करा देगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? आ जाओ, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। अब आ जाओ। कह रही हूँ आ जाओ, दैट्स माय ऑर्डर नाउ। अब बाइक का ड्राइवर ठीक करा लेगा, आ जाओ। चाबी इनको दे दो, ये ठीक करा दो। चले जाओ। घर में कौन कौन है तुम्हारे? बस अम्मी है। अच्छा, काफी छोटी फैमिली है। हम तो 10 बहन भाई हैं। 10?
बाबा ने दो शादियां की ना, नौ सुतेले भाई बहन। दो शादियां? मेरे बाद मामा की कोई औलाद नहीं हो रही थी तो बाबा ने दूसरी शादी कर ली और फिर हम 10 भाई बहन हो गए। अब ये आगे से लेफ्ट टर्न लेना है। तुम्हें पता है जब हमारे घर कोई आता है ना तो यूं लगता है हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में आ गया, इतना शोर मचा हुआ होता है। फिर तो आपके घर खूब रौनक लगी रहती होगी। रौनक ऐसी वैसी। बाजी बड़े साहब को खाना दे आऊं? हाँ दे आओ। अच्छा एक मिनट रुको, हादिया को भेजो। जी अच्छी, एक बार ये हादिया सेट हो जाए इस मासी की तो मैं छुट्टी करा दूंगी। सच अम्मी? तो सारे घर के काम हादिया को करने पड़ेंगे, परवेज को कोई मसला तो नहीं होगा? परवेज को मसला? पागल हो गई है, उसे मसला क्यों होगा? वो तो खुद चाहता है कि हादिया पूरा घर संभाले। उसने हादिया से मोहब्बत में शादी थोड़ी की है, सबक सिखाने के लिए की है। ओ तो ये बात है, अब आएगा मजा इस हादिया की बच्ची को सबक सिखाने का। मैंने और सजीला ने शादी से पहले इस हादिया की वजह से बड़ी डांट खाई थी पेजे से। वैसे अम्मा एक बात तो बताएं, ये मैं क्या सुन रही हूँ? खूबसूरत लहंगा, अच्छी अच्छी ज्वेलरी, सब कुछ आपने सजीला के लिए रख दिया और मेरे लिए तो कुछ रखा ही नहीं। वो क्या हो गया? आहिस्ता बोलो, सुन लेगी वो। दिल क्यों छोटा कर रही है? हो सकता है तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छी चीजें मिल जाए। चुप कर, वो आ रही है, सुन लेगी। जी खैर, तुम ऐसा करो जाके अपने खालू को खाना दे आओ। जी मैं? हाँ तुम। क्यों, तुम क्यों नहीं खाना दे सकती? खालू हैं तुम्हारे, इस घर में सबसे बड़े हिमायती हैं। जी। हाँ कैसे घुमने मिसनी, ऐसे जैसे कोई बात इसे समझ ही नहीं आई। छी, ऐसे इसे महारानी बना के रखूंगी मैं। वाह अल्लाह तेरी शान, पिद्दी और पिद्दी का शोर। वाह बड़े साहब के लिए खाना निकालने। वैसे अच्छा नहीं किया बड़ी बाजी ने आपके साथ, अभी तो आपकी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और आपको काम पर लगा दिया। अच्छा हुआ कि तुमने आज फोन कर लिया मुझे, वरना मैं तुम्हें खुद ही फोन करने लगी थी आज। और आप बताएं अम्मी कैसी हैं आप, दादी कैसी हैं? तुम्हारी दादी की तबीयत अच्छी नहीं है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? वो ही बेटा, सांस की तकलीफ। मौसम बदल रहा है ना तो तकलीफ बढ़ जाती है उनकी। पूरी रात हम अस्पताल में रहे उनके साथ। अम्मी दादी हॉस्पिटल में थी और आप मुझे अब बता रही हैं, पहले क्यों नहीं बताया? क्या करती, उन्होंने मना कर दिया कि मत बताएं, तुम वैसे ही परेशान हो जाती। अब कैसी तबीयत है उनकी? बस ठीक है, लेकिन तुम्हें याद बहुत करती हैं। तुम आ जाया करो ना मिलने उनसे। खैर तुम सुनाओ, घर में सब कैसे हैं? परवेज ठीक है? आपा ठीक है? जी
सब ठीक है अम्मी। हाँ उन सब का रवैया ठीक है ना तुमसे? अम्मी अब्बू कैसे हैं? अब्बू ठीक हैं, बस तुम्हारा सोच सोच के उदास रहते हैं। कोशिश करो आज आ जाओ मिलने अब्बू से, है ना? जी कोशिश करूंगी। किससे बात कर रही हो? अम्मी से बात कर। अम्मी से बात? तो अंदर कमरे में क्या तकलीफ थी, बाहर आकर क्यों बात कर रही हो? तुम सो रहे थे तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें मेरे आराम का इतना ख्याल कब से आ गया कि तुमने सोचा कहीं परवेज डिस्टर्ब ना हो जाए फोन से, और बाहर यहाँ खुले में आकर बात कर रही हो? सच सच बता दो, किस आशिक से बात कर रही हो तुम? खुदा के लिए ऐसी बातें मत किया करो परवेज, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, किससे बात करूंगी? हाशिम को फोन करूंगी मैं। हाशिम? मैंने तुमसे कब कहा कि तुम हाशिम से बात कर रही हो? और वैसे हाशिम का नाम आते ही कैसी मिठास आ गई ना तुम्हारे चेहरे पर और तुम्हारी जुबान में। लो मेरा फोन चेक कर लो, देख लो मैंने किसको फोन किया था। अम्मी से बात कर रही थी, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो मिलना चाह रही है, मैंने बोल दिया कि हम दोनों आएंगे। तो मुझे नहीं जाना है कहीं पर भी, और तुम भी बाहर यहाँ खड़ी होकर फोन पे बात मत करो। जो शरीफ घर की औरतें होती है ना, वो इस तरह बाहर आकर बातें नहीं करती रात के इस पे। अंदर आओ। परवेज प्लीज। अम्मा जी की तबीयत खराब थी और आपदा मुझे बताया भी नहीं तुम लोगों ने। नहीं नहीं मैं शाम को आऊंगी, अम्मा जी को कहना। हाँ मैं आऊंगी। क्या हुआ दादी को? वो ही पुराना अस्थमा का अटैक हुआ है दादी को, पूरी रात हॉस्पिटल में गुजारी है। तो दादी अपना बिल्कुल ख्याल ही रखती हैं? ख्याल रखने वाली जो नहीं रही। एक तुम्हारे अबू थे उनको फिक्र होती थी। शाम को जल्दी आ जाना, जाएंगे उनके पास। ठीक है। नाश्ता लगाऊं? नहीं, मैं जो देर हो रही है मैं कैफे से खा लूंगा। क्या लगेगा? अल्लाह हाफिज। क्या कर रही हो तुम? नाश्ता बना रही हूँ तुम्हारे भाई के लिए। पेजी के लिए नाश्ता बना रही हो? पेजी? पेजी क्या है? राफिया वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें उससे तमीज से बात करनी चाहिए। बढ़िया ही तमीज वाली। तुम्हारे परवेज को मैं शुरू से ही पेजा कहती आई हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं टोका। शायद मैं नहीं थी ना टोकने के लिए, लेकिन अब मैं आ गई। तुम्हारी औकात क्या है? तमीज से बात करो, समझी? भाभी हूँ मैं तुम्हारी, परवेज की बीवी हूँ मैं। ओ, बीवी? बीवी तो तुम हाशिम की भी थी। बिल्कुल बदतमीजी नहीं करोगी तुम? जो क्या तमाशा लगा मैं? अम्मा अम्मा देखिए हादिया मुझे डांट रही थी, पता नहीं खुद को क्या समझती है ये। हादिया तुम्हारी इतनी जरूरत? तुम जानती नहीं जो कितनी लाडली है हमारी, किसी ने इसे कभी नहीं डांटा। खाला इसीलिए बिगड़ गई है, बदतमीजी कर रही थी। मैं तो बस इसे समझा रही थी कि तमीज से। बीबी तमीज अपनी अपने पास रखो, ये मेरा घर है, तुम्हारी माँ का घर नहीं है जहाँ तुम्हारा हुक्म चलेगा। बढ़िया ही मेरे बच्चों को तमीज सिखाने वाली। चलो अब मेरे लिए भी नाश्ता बनाओ। ज्यादा खुश मत हो, खुद बना लो। अम्मा अम्मा नाश्ता नहीं लाई तुम मेरा? तुम्हारी अम्मा और बहने कुछ करने दे तब लाती ना। क्यों भाई, अब क्या कर दिया मेरी अम्मा और बहन ने तुम्हारे साथ? देखो परवेज, तुम मुझे यहाँ पर शादी करके लाए, मैंने जबरदस्ती नहीं की बल्कि तुमने मजबूर किया था मेरे अम्मी अब्बू को। मैं यहाँ जबरदस्ती थोड़ी आई हूँ, पर जिस तरह से तुम्हारी अम्मी और बहनें बर्ताव करती हैं, ऐसा लगता है मैं जबरदस्ती आ गई हूँ यहाँ पे। हाँ मैं लाया हूं तुम्हें जबरदस्ती यहां पर। मेरी जिद थी कि तुम
शादी करके मेरे साथ मेरे घर में आओ। बाकी सब लोग तो राजी ही नहीं थे। हाँ तो फिर परवेज, अब हमारी शादी हो गई है ना, फिर घर में मेरी इज्जत कोई क्यों नहीं करता? इस तरह से हमेशा बेइज्जत क्यों करते रहते हैं सब लोग? हाशिम का नाम ले लेके बार बार मुझे तकलीफ पहुंचाते। उसकी वजह क्योंकि शादी से पहले तुम उसी हाशिम का नाम ले लेकर मुझे तकलीफ पहुंचाती थी। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? परवेज, लेकिन अब तो हमारी शादी हो। रहा सवाल मेरी अम्मा और मेरी बहन का, तो उनके साथ तुम्हारे ताल्लुक जैसे भी हों, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। तुम जानो और वो जानो। अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करोगे तो घर में कोई और मेरी इज्जत कैसे करेगा? इज्जत मोहब्बत ये दोनों चीजें तो तुम भूल जाओ आदिया, ये तुम्हें मुझसे नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। और बेहतर होगा कि जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ जाओ हम दोनों के लिए अच्छा है। मुझे एक बात बार बार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो जाओ, जाओ जाके मेरे लिए नाश्ता बनाओ। ये ड्रामे का टाइम खत्म हो गया, नाश्ते का टाइम शुरू हो गया। जल्दी से नाश्ता बना के जाओ 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 जाओ। घर जाना है मुझे। नहीं जा सकते परवेज, प्लीज। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत याद कर रही है, प्लीज। जी, अब मुझसे बात कर रही हूँ? नहीं, इन किताबों से बात कर रही हूँ। जाहिरी बात है तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे भूख लगी है, चलो ना चल के कुछ खा कर आते। नहीं, मुझे पढ़ना है। और उठो चलो, कि तुम अपनी खाला से इस तरह से जुबान चलाओ जो कि अब तुम्हारी सास भी है। सजीला, मैंने तुमसे बात नहीं की। अम्मा, इसकी जुबान देख रही है? कोई जरूरत नहीं इसको इजाजत देने की। परवेज ने मुझे इजाजत दे दी, वो तो मैं परवेज तो इसका पहले से ही गुलाम है। उफ तौबा, कैसे मोटी मोटी आंखें निकाल कर घूरती है। बस भी करो, क्या हर वक्त पढ़ते रहते हो? जी, अब मुझसे बात कर रही हूँ? नहीं, इन किताबों से बात कर रही हूँ। जाहिरी बात है तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे भूख लगी है, चलो ना चल के कुछ खा कर आते। नहीं, मुझे पढ़ना है। और उठो चलो, पढ़ते ही रहते। देख लो हंगामा हो जाएगा, चलो आ जाएंगे ना जल्दी। He's given India a platform for a big total. Well, the skipper Virat Kohli. वो क्या बोलो, क्या है? घर जाना है मुझे। नहीं जा सकते। परवेज प्लीज, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत याद कर रही है, प्लीज। अच्छा ठीक है, चली जाऊँ। चली जाऊँ कैसे? चली जाऊँ किसी रिक्शा टैक्सी में? चली जाऊँ रिक्शा या टैक्सी में कैसे? पर क्या हो गया तुम्हें?
इस शहर में ना लोग रोज रिक्शा टैक्सी में सफर करते हैं, और तुम कौन सा पैदाइशी मर्सिडीज में घूमती हो? रिक्शा है? बात खत्म नहीं हुई है मेरी अभी, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ जाओ, और खबरदार जो तुम घर से बाहर निकले मैं हर दो मिनट बाद फोन करके तुम्हें चेक करूंगा। अब जाओ। परवेज बात ये नहीं है, शादी के बाद पहली बार मैं घर जा रही हूँ, ऐसे अकेले जाऊंगी कैसा लगेगा? सोचो अम्मी अप्पू उन्हें कैसा लगेगा? मुझे तुम्हारे माँ बाप की खुशी की कोई परवाह नहीं, और अब इससे पहले कि अच्छे मूड में जो मैंने तुम्हें इजाजत दी है वो इरादा मेरा बदल जाए, मेरा मशवरा है तुम जाओ। नहीं ठीक है, मैं कोई बहाना बना दूंगी। अम्मी से इजाजत लेके जाना। परवेश तुमने तो इजाजत दी थी, अब तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम दनदनाती फिरती रहोगी, जब तुम्हारा दिल करेगा आओगी और जब तुम्हारा दिल करेगा चली जाओगी। ये मेरा घर और यहाँ पर मेरी माँ का हुक्म चलेगा, समझी? अब जाओ जाके इजाजत। अरे यार अच्छी बॉल करा दी है इसने, गलत जुआ लगा दिया परवेज, गलत जुआ लगा दिया। क्यों जबरदस्ती मुझे लागे अच्छा नहीं किया? ये क्या तुम मुझे हर वक्त आप करके बात करते हो? देखिए अभी हमारे दिमाग इतनी बेतकल्लुफी नहीं है कि मैं को आपकी बजाय तुम कहूँ। तुम मेरे बारे में जानते हो, मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, एक दूसरे की फैमिली। किरण क्या हुआ मैडम, खराब हो गई? गाड़ी में उठाएं सर, इनको गाड़ी में उठाएं। ये साइड में हॉस्पिटल में बाहर लेके चले। नहीं सर, इनको घर ले जाना जरूरी है था, इनका डॉक्टर साहब घर पे आ जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना हॉस्पिटल लेके चले। आपको नहीं पता सर, इनको घर ले जाना जरूरी है, नहीं तो बड़ी बेगम साहब बहुत नाराज होंगी सर। खाला क्या? मैं जाऊं? क्यों? वो दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें मिलने जाना है। एक बात कहूं, बुरा मत मनाना, बात तो सच है मेरी खाला लेकिन इंतहा की बदमिजाज, ना लिहाज है ना कोई रख रखाव। खाला वो मेरी दादी, आपको जेब नहीं देता कि आप इस तरह से उनके बारे में बात करें। और तुम्हें जेब देता कि तुम अपनी खाला से इस तरह से जुबान चलाओ जो कि अब तुम्हारी सास भी है। सजीला मैंने तुमसे बात नहीं की। अम्मा इसकी जुबान देख रही है, कोई जरूरत नहीं इसको इजाजत देने की। परवेज ने मुझे इजाजत दे दी, वो तो मैं परवेज परवेज तो इसका पहले से ही गुलाम है। उफ तौबा, कैसे मोटी मोटी आंखें निकाल कर घूरती है। देखो ना अम्मा, देखो इसे जरा। आंखें फोड़ दूंगी, जो कहा है वो करो, आराम से घर बैठो, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। लेकिन खाला अगर मगर कुछ नहीं, किचन में जाओ, जाकर मासी के साथ काम करो, तुम्हारे खालू ने खाना लेकर जाना, उनको भी सुकून नहीं। इतनी बार कहा है घर में आराम से बैठे, छोड़ दे दुकान, खुदा का वास्ता छोड़ दे दुकान, मचा ले वो सुन जाए। प्रवेश लाखों कमाता है, ऐश करा रहा है हमें, और वो आगे दुकान को लेकर बैठे, मैं समझ ही नहीं आती उनकी कोई बात मेरी। तुम तीनों कुछ हिलजुल कर लिया करो, ये बिचारी तो अभी घर में आई है और तुम लोगों ने काम बताना शुरू कर दिया। कितने दिन दुल्हन बनी रहेगी ये बता दे मुझे, काम करेगी तो इसी का फायदा है, काम करने की आदत पड़ेगी इसे। साहिदा कुछ ख्याल कर, इसकी शादी को कितने दिन हुए, और तुम दोनों जाओ किचन संभालो, सारा दिन बैठी बातें करती रहती हूँ, उठो। खालू दादी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे मिलने जा सकती? हाँ बेटा जरूर, इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? मैंने इसे मना किया है, ये कहीं नहीं जाएगी। क्यों, क्यों मना किया तुमने? तुम्हें भी इसके साथ जाना चाहिए, इसकी दादी तुम्हारी खाला है। मुझे कोई जरूरत नहीं उनके गाय के मुंह लगने की, फाते सुनाने में तो चैंपियन है वैसे भी वो। तो तुम कौन सी कम हो? जाओ बेटा, तुम्हारी सास के मिजाज हमेशा खराब रहते हैं। बहू के सामने ये इज्जत करते हैं मेरी? इंसान अपनी इज्जत खुद करवाता है, तुम भी अपनी इज्जत करवाना सीखो। हादिया के सामने बेइज्जती करती मेरी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी हादिया से बदला लूंगी, क्या याद करेगी अभी।
नफरत करता हूं मैं तुमसे, जानती हो क्यों? क्योंकि जब मैं तुमसे मोहब्बत करता था तब तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था, तब तुमने मेरे दिल को तोड़ा था, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। अब मेरी शादी हो गई है तुमसे, शौहर हो तुम मेरे, अब मैं जाके भी कहीं नहीं जा सकती। ऐसे सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम पर बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। पैसा? हाँ पैसा। अरे भाई तुम्हें इंप्रेस करने के लिए इतने महंगे महंगे तोहफे खरीदे मैंने, तुम्हारी माँ को इंप्रेस करने के लिए पैसे लगे, और वो खंडर जैसा घर तुम्हारी दादी और तुम्हारे बाप को मनाने के लिए मुझे ना सिर्फ उसे खरीदना पड़ा बल्कि तुम्हारे नाम करना पड़ा। आप उसकी एक बात बताओ, बड़े लालची लोग हो तुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, हल्का सा गले में दर्द हो रहा था, अभी ऐसे लग रहा है जैसे बुखार हो रहा है। सुबह तक तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। हाँ सुबह तबीयत बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी दादी को फोन किया था कि मैं उनकी खैरियत मालूम करने आऊंगी, अब वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉल करके कह देता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक थी। नहीं नहीं ऐसा ना करो, पता है क्या, बड़ों को छोटों का इंतजार होता है, और जब ना जाए ना तो बड़ी मायूसी होती है। किरण भी आप अपनी हालत भी तो देखिए। ऐसे करो तुम चले जाओ, उनको जाके कह देना कि मैं फिर उनके पास चक्कर लगाऊंगी और उनकी खैरियत भी मालूम कर लूंगी। मैं अगर आप साथ चलती तो ठीक था, लेकिन इस तरह अकेले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। दादी है बेटा तुम्हारी, ऐसे ना करो, और बीमार भी है, तुम्हें पता है ना, बीमार की आयादत करना भी एक नेकी है। दिल से गम और गुस्सा नाराजगी सब खत्म कर दो। तो मालूम है तुम्हारे अबू उनकी तलख कई भी बात का भी जवाब नहीं देते थे, और तुम्हें तुम्हारे अबू का किरदार निभाना है, तुम्हें ये साबित करना है कि तुम हबीब अहमद के बेटे हो। जा शाबाश, जा जाके दादी से मिल के आओ। जाओ शाबाश, जाओ।